जब भारत सरकार ने भी मालदीव के टूरिज्म विभाग को 440 वोल्ट का झटका दे दिया है और भारत सरकार का यह फैसला मालदीव को रोने पे मजबूर करेगा। मालदीव आउट ऑफ कंट्रोल रहता, इंडिया के हाथ में नहीं आता। आपको नहीं पता कि इंडिया की तो पार घर में चैलेंज हो जाएगी, खित्ते में चैलेंज हो जाएगी, एंड देन हाउ टू मूव ऑन विद दिस। दरअसल मालदीव के कैबिनेट मंत्रियों द्वारा भारत पर की गई अभद्र टिप्पणियों को देखने के बाद भारत सरकार ने मालदीव को दी जाने वाली पर्यटन वित्तीय सहायता रोक दी है कि बेटा आज जो तू है, अगर हम नहीं होते या हम तेरी मदद नहीं करते तो तू यहाँ पे खड़े होके इतनी बकवास नहीं कर रहा होता। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ मालदीव्स की। ये वो पुराना इंडिया नहीं है, ये नया वो भारत है, मोदी का वो स्ट्रॉन्ग भारत कहा जाता है कि जिसमें अगर कोई भी बात हो, यानी कैनेडा की तरफ से जब एक इशू उठाया जाता है तो उस पर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को जो है वो बैकफुट पर जाना पड़ता है, कैनेडा को लेने के देने पड़ जाते हैं। जिनका 600 बिलियन पड़ा हो ना फॉरेन रिजर्व में और उससे भी ज्यादा, और जिनकी इकॉनमी 7.8% पे हो, जिन जो अमेरिका को कंट्रोल कर रहे हो गर्दन से पकड़ के, उनको थ्रेट देना इतना आसान नहीं है चीमा साहब। भारत ने मालदीव्स का अंधा सपोर्ट करा और एंड में रिजल्ट ये मिला, हमें ये रिजल्ट मिला कि आज वही लोग जो हमारे सामने झोली फैला रहे थे वो आज हमें उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट हैज इंस्ट्रक्टेड द कंसर्न अथॉरिटीज टू ट्रांसफॉर्म द एयरपोर्ट लक्षद्वीप इनटू ए वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल फैसिलिटी एज सून एज पॉसिबल। लो जी कम पै गया, जो कम हो गया जो मालदीव वालों तुसी ते गए ताडा टूरिज्म हो गया। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गोसिप्स न्यूज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मैं एक और खबर जो देख रही थी वो ये थी कि इंडिया ने जो ये है इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं। मोदी गवर्नमेंट हैज इंस्ट्रक्टेड द कंसर्न अथॉरिटीज टू ट्रांसफॉर्म द एयरपोर्ट लक्षद्वीप इनटू ए वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल फैसिलिटी एज सून एज पॉसिबल। लो जी कम पै गया, जो कम हो गया जो मालदीव वालों तुसी ते गए ताडा टूरिज्म हो गया। ये उनको जवाब देने की जरूरत नहीं, मैंने आपको पहले कहा उनका जवाब इस तरीके से आएगा और वो आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये मूड बन चुका है कंप्लीटली, ये तय कर लिया गया है मालदीव्स की इस हरकत के बाद, इस एक बहुत बड़ी मिस्टेक एरर और गलती के बाद या इस ब्लंडर के बाद कि अब लक्षद्वीप को जो है वो मालदीव्स के बराबर लाके खड़ा किया जाएगा और वहां पर टूरिज्म अब मालदीव्स के टूरिज्म को बीट नहीं कर देगा सिर्फ, बल्कि मालदीव्स का टूरिज्म हो सकता है कि ये बिल्कुल खत्म हो जाए, बहुत कम हो जाए, क्योंकि लक्षद्वीप को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे इंडिया वाले और इंडियन गवर्नमेंट के, आप देखेंगे कि वहां पर कितनी बड़ी तादाद टूरिस्टों की अब जानी शुरू हो जाएगी। और दूसरी एक और बात, आपने कभी देखा कि इंडिया दुनिया के अंदर सुप्रेस कितना रहा है? हिंदू मजहब का सुप्रेशन देखा आपने कभी? किस तरीके से फॉरेन इन्वेडर्स ने आके जलीलो ख्वार किया, दुनिया की एक एडवांस तरीन सिविलाइजेशन इंडस सिविलाइजेशन को किस तरीके से इन्वेडर्स ने जलीलो ख्वार किया। अब उनको होश आ गई आनी चाहिए थी, बल्कि मैं तो खुश हूं क्योंकि देखें देखा जाए तो मेरा, मैं खुद एक इंडियन हूं, मैं उसकी वजह देखा जाए पाकिस्तान तो 94/7 में बना है। चीमा साहब आप भी बैठे, आप भी हिंदुओं की औलाद है, आप तुसी केड़ा तो मदीने चो आए, तुसी केड़ा मेरा तो पठाना चो आए, सारे असं हिंदुआ के बिचों निकले हैं जो सारे खिते च ने। और मैं खासकर जब बुक पढ़ता हूँ चनकिया के बारे में पढ़ता हूँ, देखें 150 AD में वो हाउ सिविलाइज दे वर, लेकिन किस तरीके से इस कल्चर को इन्वेडर्स ने तबाह किया, किस तरीके से पहले पठान तुर्कश अफगानी जलीलो ख्वार उन्होंने किया, फिर ब्रिटिश उन्हें आके फिर उन्होंने जलीलो ख्वार किया। आज दिस इज टाइम फॉर देम टू शाइन एंड आई कांग्रेचुलेट देम, आई एम प्राउड ऑफ देम, मैटर आई शुड बी और मैं चाहूंगा कि दुनिया से बदला लिया जाए कॉलोनियलिज्म का, ये बर्बरियत का, ये जो हमारे ऊपर आप चीमा साहब आपने सारी जबान अपना पूरा पाकिस्तान झोंक देते हैं आप उर्दू के पीछे, आपकी जबान उर्दू है नहीं, आपकी जबान उर्दू, ये मुगलों की जबान थी उर्दू। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।